सिरोसिस का मतलब होता है लिवर में सिकुड़न आना, यानी कि लिवर श्रिंक हो जाता है। वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ काफ़ी एडवांस्ड इंसल्ट हुआ है लिवर को, और उस स्थिति में पहुँचने के बाद उसको वापस नॉर्मल करना नामुमकिन है। और ऐसे मरीज़ों को हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत की महसूस होती है, उनको लिवर फेलियर और एंड स्टेज लिवर फेलियर में पहुँच गए हैं। लेकिन अगर ऐसे मरीजों को हम अर्ली स्टेज में पाते हैं, यानी कि जब लिवर में सिकुड़न नहीं आता है, तो हम रिवर्स कर सकते हैं। तो सभी लिवर डिजीज़ का एक प्रोग्रेशन होता है। पहले उनमें हेपेटाइटिस होता है, उसके बाद फाइब्रोसिस होता है, और तब जाके सिरोसिस होता है। इनिशियल स्टेज में जब हेपेटाइटिस होता है, तो उस स्टेज में अगर हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या फैटी लिवर डिजीज़ है या कोई भी कारण है जो कि उसका इंसल्ट है, जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, अगर हम उस इंसल्ट को रोकते हैं तो हम उस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं। इवन फाइब्रोसिस, यानी कि जो स्कारिंग का अर्ली स्टेज होता है, अगर हम उस स्टेज में पेशेंट्स को डायग्नोज करते हैं और उस इंसल्ट को ट्रीट करते हैं या रोक देते हैं, तो वो कंडीशन रिवर्स हो जाती है। बट अगर हम ऐसे मरीज़ को एडवांस्ड फाइब्रोसिस में या सिरोसिस में डायग्नोज करते हैं, तो लिवर को नॉर्मल करना मुश्किल है और नामुमकिन है। ट्रांसप्लांट उन्हीं सबसेट ऑफ पेशेंट्स को ज़रूरत होती है जिनको कि एडवांस्ड सिरोसिस विथ डीकॉम्पेंसेशन, यानी कि लिवर की सीमाएं टूट गई हैं, वो अपने आप को कॉम्पेंसेट नहीं कर सकता है, और उस स्टेज में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है।